मुझे मेरे डॉक्टर ने एक रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट सर्जरी एडवाइस करी है। क्या ये सर्जरी मेरे लिए सही है? क्या ये सर्जरी मेरे लिए बेनिफिशियल होगी? और क्या मुझे इस सर्जरी का रिजल्ट मिलेगा? नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, सीनियर कंसल्टेंट आर्थ्रोस्कोपी जॉइंट रिप्लेसमेंट एंड जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी शेल्बी हॉस्पिटल एंड डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक। आज हम बात कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट, यानी कि इस जटिल सर्जरी के फायदे क्या हैं, क्यों हम इस सर्जरी को कराएं। तो इस सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस सर्जरी में हमारा आउटकम काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, बशर्ते ये एक एक्सपर्ट द्वारा करी गई हो। दूसरी बात, यह सर्जरी एक तरह की ब्रह्मास्त्र है जो शोल्डर की सारी प्रॉब्लम्स को एक ही साथ सही कर देती है, परंतु इसे बहुत सोच समझ के चूज़ किया जाना चाहिए। हमें काफ़ी जानकारी के बाद इस सर्जरी के बारे में आगे प्रोसीड करना चाहिए। यह सर्जरी उन लोगों के लिए एक परफेक्ट सर्जरीज है जिन लोगों की एज 70 से 80 या 90 के दशक में है और उनको कोई बहुत ख़राब कंधे का फ्रैक्चर हुआ है, जिसे हम 2-पार्ट 4-पार्ट फ्रैक्चर कहते हैं, जिसके अंदर कंधे की ब्लड सप्लाई ख़राब हो जाती है और हड्डी जुड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसे केसेस में हम उन्हें फ्रैक्चर फिक्सेशन की सलाह नहीं देते, हम उन्हें डायरेक्टली रिवर्स की सलाह देते हैं। नंबर दो, यह सर्जरी हमारी रूटीन कफ मसल्स, यानी कि हमारा रोटेटर कफ, उस मसल से इंडिपेंडेंट जोड़ है, यानी कि इस जोड़ को चलाने के लिए इसका इंटरनल मैकेनिज्म काम करता है और यह जोड़ हमारी रोटेटर कफ मसल से इंडिपेंडेंट रहता है, यानी कि इट्स अ डेल्टॉइड डिपेंडेंट जॉइंट फंक्शनिंग, मतलब हमारे कंधे की रूटीन मसल्स के ऊपर काम करता है। तो अगर कोई ऐसे मरीज हैं जिनको पुराना कफ टेयर हो या उनका रोटेटर कफ मसल की क्वालिटी ख़राब हो और वह शोल्डर को पूरी तरह ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर यह सर्जरी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तीसरी, यह सर्जरी बहुत ही सरल तरीके से करी जा सकती है और बहुत ही छोटे टाइम समय में करी जा सकती है और पेशेंट को इसकी रिकवरी बहुत जल्दी मिलती है। आज अगर हम बात करें किसी ख़राब फ्रैक्चर की, जिसे जुड़ने में 1 से 1.5 महीने का समय लगे और 1.5 से 2 महीने की फिजियोथेरेपी लगे और उसके बाद भी हमें रेंज ऑफ मोशन की गारंटी या रेंज ऑफ मोशन का परफेक्ट आउटकम नहीं मिलता है, यह वो लोग हैं जो रिवर्स शोल्डर से बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक परफेक्ट मूवमेंट और स्टेबल जॉइंट मिलता है। बस इन कुछ चीज़ों का ध्यान हमें रखना है कि शोल्डर रिप्लेसमेंट या रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट जब भी हम कर रहे हों, हमारी बोन क्वालिटी उपयुक्त तरीके से मैनेज होनी चाहिए, फिक्सेशन प्रॉपर होना चाहिए, हमारा डाइट और न्यूट्रिशन उसके लिए उपयुक्त होना चाहिए। अगर सब चीज़ें सटीक बैठती हैं तो रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट हमें काफ़ी अच्छा और सक्सेसफुल आउटकम दे सकता है। अधिक जानकारी के लिए अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें, उसकी एक्सपर्टीज़ को नज़रअंदाज ना करें। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।